हमें कुछ। आज हमारी इस ऑनलाइन क्लासेस में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग। और वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग में हम डिस्कस करेंगे आपके कोड कंसेप्ट के बारे में, ओके सर। ठीक है, कोड कंसेप्ट, इसके बारे में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बेसिकली कोड कंसेप्ट मतलब कि जैसे कि हमने आपको बताया था कि एल्गोरिदम के बारे में हम जानना चाह रहे हैं कि एल्गोरिदम क्या के जरिए हम क्लास ले लेते हैं, कोड लिखते हैं। और हमने आपको बताया था कि चार मेन स्टेप होते हैं, मतलब कि चार हमारा मेन होता है जो कि हम यूज करते हैं। ठीक है, कि अगर हम इस पे जाए मॉड्यूल्स वन पे, हम मॉड्यूल्स वन पे ही कोडिंग करते हैं, तो इसमें हमारे पास चार मेन ऑब्जेक्ट होते हैं, एप्लीकेशन, वर्कबुक, शीट्स एंड रेंज। हाँ, एप्लीकेशन, वर्कबुक, शीट्स, रेंज। बेसिकली मोस्टली जो हमारा रेंज में स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, मोस्टली जो हम कोड इस्तेमाल करेंगे मतलब, तो इन चारों में से कोई एक होगा। ठीक है, तो इन चारों में से एक होगा। अब इन चारों में से कौन सा होगा वो डिपेंड करता है आपके कोड का इस पे, इफेक्ट पे। इफेक्ट का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए आपका कोड जो है एक फाइल को इफेक्ट कर रहा है, जैसे कि फाइल को ओपन करना, फाइल को क्लोज करना, ऐसे एक पर्टिकुलर फाइल को इफेक्ट कर रहा है। इसका मतलब है कि उस ओ वर्कबुक से होगा। ठीक है, उस तरह से अगर एक सीट पे वर्क करेंगे तो एक सीट पे होगा। ठीक है सर, ओके सर। और एक रेंज का है तो एक रेंज पे होगा। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हुआ। तो चलिए हम वन बाय वन हम ये देखते हैं, वन बाय वन हम ये देखते हैं कि जो हमारे जो कोड है उस कोड पे किस तरह का वर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि हम एप्लीकेशन को फिलहाल छोड़ते हैं, वर्कबुक, वर्कबुक, वर्कशीट, अरेंज के बारे में चलिए चलते हैं। तो हम वर्कबुक की बात करते हैं। ठीक है, तो वर्कबुक्स क्या है कि सबसे पहले हम वर्कबुक्स में हम क्या करते हैं, एक वर्कबुक को ऐड करते हैं। ठीक है, तो वर्कबुक को जब हम ऐड करेंगे मतलब कि कंट्रोल एन करेंगे तो उसको सेव भी करेंगे, उसके लिए यहां पे होता है एक्टिव वर्कबुक डॉट सेव एज। अब एक्टिव वर्कबुक क्यों दिया, और यहां पे आपको फाइल का एक्सटेंशन देना पड़ेगा कि डी ड्राइव में 2016/12.xlsx ये फाइल क्या बोल रहे हैं, जैसे अभी xls एक नॉर्मल xls में सेव हो जाएगा, अगर xls भी डाल दूंगा तो बाइनरी में जाके सेव हो जाएगा। नहीं, xls डालोगे तो 2013 के फॉर्मेट में होगा, xlsx डालोगे तो 2007 के फॉर्मेट में आएगा।
इस तरह। बाइनरी में बड़ा फायदा है तो बाइनरी में एक्सेलस भी, क्योंकि हाँ बाइनरी रहता है ना। ओके जी। ठीक है। क्लियर सर? क्लियर सर, क्लियर। तो अब दूसरी बात आती है कि हमने यहां पे वर्कबुक को सेव, एक्टिव वर्कबुक क्यों लिया? तो वर्कबुक को सेव करने का होता है कि वर्कबुक्स इसके अंदर में डालते हैं हम कि बुक वन डॉट XLSM या XLS जो भी एक्सटेंशन है डॉट सेव एज, और फिर यहां पे जो एक्सटेंशन है विथ फाइल नेम है वो हम डालते हैं। ठीक है, अभी हम कोड कंसेप्ट समझा रहे हैं, माइक्रो बना के नहीं बता रहे हैं, माइक्रो रन नहीं करेगा। ठीक है ना, कोड कंसेप्ट समझा रहे हैं। तो इसमें क्या हुआ कि वर्क ये क्या है कि आप कोड लिखने का तरीका होता है। हेलो, सॉरी सर, तो यहां पे क्या आता है कि वर्कबुक ये हमारा ऑब्जेक्ट होता है, ये हमारा ऑब्जेक्ट का डिटेल होता है, ये हमारा मेंबर होता है, मतलब कि एक्शन होता है। सर जो पार्ट डाला है वो टेक्स्ट में, तो उसको डबल कोट में डालना जरूरी है, डबल कॉमा में? ये जो डाला है, बात इसकी बात कर रहे हैं आप? ये नहीं, जो बेसिकली पाथ हाँ, डाला है ना, डेटा पाथ बोल तो रहा हूं कि कोई भी ऐसा चीज जो कि टेक्स्ट है, कोड नहीं है, हाँ एक्सेल राइट। का VBA का कोड, ऑब्जेक्ट कोड या किसी तरह कोड डिफाइन नहीं है, उसको इन्वर्टेड कॉमा में ही डालना पड़ेगा। अगर इन्वर्टेड कॉमा हटा दोगे तो इसको कोड समझेगा और इसको जाकर सर्च करेगा कोड लार्ज में। ठीक है, तो इसके अंदर भी एक 123.xls है, वो भी डबल कोट में डालना जरूरी है। तो हाँ, ये हर चीज डबल कोट में डालना होगा। तो जो स्लैश भी डबल कोट में, 123.xls हाँ भी सर, डबल कोट पूरा में? डालना होगा ना। हमने आपको क्या बताया? हमने आपको बताया कि VBA प्रोग्रामिंग करते समय, जैसे कि फॉर्मूला, एक्सेल में फॉर्मूला डालते हो ना आप, तो फॉर्मूला में कोई भी टेक्स्ट होता है जो कि फॉर्मूला नहीं होता है, उसको क्या करते हो? इन्वर्टेड कॉमा में डालते हो। हाँ तो सेम थिंग आपको इसको भी करना है। ओके सर, क्लियर ठीक सर। है, समझ गए? क्लियर सर। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। तो यहां पे इस तरह से, लेकिन इसके साथ वर्कबुक ऐड के साथ एक कोड परफेक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब वर्कबुक हम कंट्रोल एन करते हैं तो ना जाने कौन सा सीट का नेम होता है, और सीट 1 2 3 4 5, बुक 1 बुक 2 बुक 3, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहां पे एक परफेक्ट मैच नहीं होगा। तो हमें यहां पे करना पड़ेगा कि एक्टिव वर्कबुक डॉट सेव एज। अब एक्टिव वर्कबुक क्यों करेंगे? क्योंकि हमें पता है कि जो वर्कबुक ऐड होगी वही सर हमारा एक्टिवेट होगा। ठीक है, तो जो ठीक है, वर्कबुक ऐड होगी वही हमारा एक्टिवेट होगा।
ठीक है सर। तो आपको अगर वर्कबुक क्रिएट करके ऐड ही करना है तो आप एडेड वर्कबुक ही इंस्टॉल कर सकते हो। आप डायरेक्ट जो है ऐड किया हुआ वर्कबुक ही करें। कैसे? यहां कर दें कि एक्ट यहां पे कि वर्क बुक्स डॉट एड डॉट सेव एड और यहां पे डाल दें। आप ऐसे भी डाल सकते हो, ठीक है। यहां पे पाथ डाल दीजिए। ठीक है। ठीक है सर। तो डायरेक्ट डालने का फायदा क्या होता है कि जो फाइल जो है ये आपका ओपन होगी सेव ही सेव होते हुए, तो को पर्टिकुलर फाइल को खोलना और फाइल नई फाइल को क्रिएट करना और उस फाइल का सेव एज करना ये आप सीख गए। सिर्फ कोई डाउट तो गया नहीं है है? उसको, नो डाउट। अब बात करते हैं कि अगर आपको फाइल को जस्ट सेव ही करना है, मतलब कि ऑलरेडी एक्टिव फाइल है, तो दो तरीके से लिख सकते हो कि आप एक्टिव वर्कबुक डॉट सेव अगर आपकी फाइल एक्टिवेट है तो। अगर आपकी फाइल एक्टिवेट नहीं है तो कोई पर्टिकुलर फाइल को करना चाहते हो तो उस पर्टिकुलर फाइल के साथ सेव, तो एक जस्ट कंट्रोल एस वर्क कर देगा, ठीक है। समझ गए? वो हाँ सर। उसके बाद हम बात करते हैं, हमने फाइल को ओपन करना है, एक पर्टिकुलर फाइल को ओपन करना है, तो यहां लिखेंगे वर्क बुक्स डॉट ओपन ओपन पाथ। और यहां पे वो पाथ डालेंगे जो पाथ जहां से ओपन करना है। वर्कबुक ओपन। अब इसमें एक और भी है, जैसे आपको मान लीजिए कि इसके अपडेट, आप जब फाइल ओपन करते हैं इसमें और भी बहुत सारे, आप देखिए नीचे ये डाला हुआ है आपके ऑटो सजेशन डाले हुए, इसमें ऑटो स्क्रोल तो ऑटो सजेशन, तो इसमें जैसे कि फाइल का नेम मतलब कि पाथ आपने डाल दिया, इसमें आता है आपका अपडेट लिंक, मतलब कि जैसे फाइल ओपन करते हैं अगर वो फाइल किसी और फाइल से लिंक्ड होती है तो वो आपको यस नो पूछती है लिंक करने का। तो अगर यस पे क्लिक करना है तो ट्रू कीजिए, अदरवाइज फॉल्स कीजिए, ठीक है।
बताओ इसमें। सर उसके बाद रीड ओनली में क्लिक करना है, आपको फॉर्मेट है, पासवर्ड है, रीड राइट पासवर्ड है, तो आप एक कॉमा कॉमा करके उस पे जा सकते हैं। अपडेट लिंक नहीं कुछ करना है तो अगेन कॉमा, रीड ओनली पे करना है तो अगेन कॉमा, अगेन पासवर्ड, मान लिया हमने पासवर्ड डाल दिया, रीड राइट पासवर्ड डाल दिया, ठीक है ना। ऐसे कॉमा कॉमा करके आप जा सकते हो। अब फाइल हमारा ओपन हुआ है तो हमें नेविगेट करने की जरूरत पड़ेगी। जैसे हम लोग ऑल टैब करते हैं ना, एक टैब से दूसरे टैब पे जाने के लिए, तो राइट सर। उस समय आप यहां पे दे दीजिए कि वर्क बुक्स, ब्रैकेट में फाइल इसमें नेम वो पर्टिकुलर वर्क बुक, और डॉट टाइप पीरियड। और यहां पे इसे हमने दे दिया, यहां पे दे दिया हमने कि बुक वन डॉट एक्सएलएस एक्स डॉट एक्टिवेट। या दूसरा आता है विंडोज, और इसके अंदर भी आप इसमें एक्सटेंशन नहीं लिखोगे फिर भी चलेगा, बुक वन डॉट एक्टिवेट। तो जो विंडोज वाला है वो कैसे चलता है? व्यूज में विंडोज करके रहता है हाँ, यहाँ व्यू स्विच। में जो स्विच विंडो होता है, विंडोज के लिए स्विच विंडो, इसके माध्यम से चलता है, ठीक है। अब हमने फाइल ओपन ऐसे भी किया है तो फाइल को क्लोज भी करेंगे तो सर वर्क, विंडोज में 1 2 1 2 3 डालेंगे तो भी हाँ चलेगा हाँ ना सीक्वेंस सर? नंबर से भी डालोगे तो भी चलेगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि अभी फाइल एक्टिवेट है तो ये आपका पहला नंबर पे है, दो फाइल दूसरे नंबर पे, अगर वो फाइल एक्टिवेट हो जाएगी तो वन नंबर, ये स्विच होते रहता है, दिक्कत यहाँ पे यही होती है, तो नंबर से दिक्कत होता है। और यहाँ भी आप वर्क बुक्स में भी, यहाँ भी आप इंडेक्स नंबर डाल सकते हो, तो इसमें क्या होगा कि पहले नंबर पे तो इसको खोलेगा, दूसरे नंबर तीसरे नंबर ऐसे जाएगा। ओके चलेगा। तो ये ओपनिंग के हिसाब से होता है कि ओपन सीक्वेंस होता है, ये एक्टिव एक्टिव सीक्वेंस होता राइट। है, ठीक है। क्लियर सर? क्लियर सर। तो यहाँ पे हो गया, अब हमने वर्कबुक को ये कर लिया। अब बात करते हैं वर्कबुक की क्लोज करने का। तो एक कोई पर्टिकुलर वर्कबुक जो कि आपने ओपन कर रखा है उसको क्लोज करना चाहते हो, तो डॉट एक्सएलएस एक्स डॉट क्लोज, और यहाँ पे हम दे दिया ट्रू, उस सेव वर्कबुक को क्लोज कर देगा, ठीक है। करके क्लोज कर दे। हाँ, तो क्लोज सेव करके करेगा। टू डालने की जरूरत क्या होता है, जैसे कोई फाइल है अगर आप बंद करते हो तो आपसे पूछता है यस एंड नो, ठीक है। राइट। यस पे क्लिक किया तो आप उसको क्लोज कर सकते हो, टू कर दिया मतलब कि सेव कर सकते हो। तो सेव करना है तो उस केस में हमें यहां पे टू टू डाल दिए। डाल दें, नहीं करना है तो फॉल्स चल जाएगा, तो हमारा वर्कबुक क्लोज हो जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं वर्कबुक का, इसके ऊपर वर्कबुक को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो जैसे आपने डाल दिया कि एक्टिव वर्क, अब वर्कबुक या एक्टिव वर्कबुक लेना है ये आपकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है, ध्यान रखिएगा। वर्कबुक डॉट हमने डाल दिया प्रोटेक्ट, तो प्रोटेक्ट में हम पासवर्ड डाल देते हैं, तो ये प्रोटेक्ट हो जाएगा। एक कौन सा प्रोटेक्ट होगा,
ये जो आपका रिव्यू के अंदर में वर्कबुक प्रोडक्ट होता है ये होगा, जो कि सीट और बाकी चीज प्रोडक्ट कर देगा। लेकिन आप चाहते हो कि, मेरे को हाँ, अगर आप चाहते कि ओपनिंग पासवर्ड डालना है, ओपनिंग पासवर्ड कि कोई बिना पासवर्ड के खोल ना सके, तो उसके लिए क्या करते हैं कि एक्टिव वर्क बुक डॉट पासवर्ड और इक्वल। अब बोलोगे सर यहां पे इक्वल लगाया तो ये हमारा प्रोटेक्शन है, मतलब कि ओपनिंग पासवर्ड इक्वल लगा इसलिए क्योंकि जो ये आपका ऑब्जेक्ट होता है ये आपका मेंबर होता है। तो मेंबर दो तरह का होता है, मेथड एंड प्रॉपर्टीज। तो ये प्रोटेक्ट जो है आपका मेथड है इसलिए हमने स्पेस देके इसका डिटेल डाली है, लेकिन प्रोटेक्ट जो ये पासवर्ड जो है ये आपका ये है प्रॉपर्टीज है इसलिए हमने इक्वल दिया है। अब कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा मेंबर मेथड है, कौन सा मेंबर आपका प्रॉपर्टीज है, तो उसके लिए जस्ट आप इक्वल प्रेस करेंगे तो यहाँ पे नीचे एक्सप्रेशन आ जाएगा, या फिर लगाते समय आप देखेंगे कि जिस पे इस तरह का बॉक्स ग्रीन कलर का बना हुआ है वो मेथड है, और जिस तरह से हैंड का निशान बना हुआ है वो प्रॉपर्टीज है। सर, तो प्रॉपर्टीज जो है दो करती है, इंफॉर्मेशन लेती भी है और देती भी है। जैसे कि हमने बोल दिया कि एक्टिव वर्कबुक डॉट पासवर्ड इक्वल टू 12, तो इसने प्रॉपर्टीज सेट हुआ। अब प्रॉपर्टीज की इंफॉर्मेशन से मुझे फाइल नेम चाहिए, तो जब भी प्रॉपर्टीज इंफॉर्मेशन देती है तो स्टोरेज पॉइंट होना चाहिए, जैसे कोई वेरिएबल होना चाहिए। तो जैसे हमने कर दिया एफ, एफ इक्वल टू हमने बोला कि एक्टिव शीट नहीं, माफ कीजिए, एक्टिव वर्कबुक, एक्टिव वर्क बुक डॉट नेम, ये फाइल का नेम देगा। राइट सर, ऐसे ही फाइल का नेम किस पे सेव करेगा, एफ पे सेव करेगा। कैसे हो करेगा? फिर एक्टिव वर्क बुक डॉट पाथ, तो पाथ देगा। ऐसे ही आपका यहां पे के इक्वल टू एक्टिव वर्क बुक डॉट फुल नेम, ये पाथ और नेम दोनों देगा। ठीक है, तो इसी तरह से हमारे पास एक्टिव अभी जो ऊपर वर्क, दे दिए है एग्जाम्पल, ऊपर जो फाइल नेम सेव किया है वही बात यहाँ पे दे देगा, राइट? ये वीबीए के ही फंक्शंस है ना, एक्टिव हाँ वर्क डॉट हाँ पाथ ने। हाँ एक्टिव वर्कबुक, इसी में डॉट लगाते समय तो जो हैंड का निशान है, ठीक है ना। अब इसमें कई सारी चीजें प्रॉपर्टीज है कि एक्टिव सीट स्लाइसर, तो एक्टिव सीट का नाम चाहिए वो आप ले सकते थे, ठीक है ना। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं। तो बेसिकली क्या है कि ये सारे चीज अभी आप नहीं सीख पाओगे क्योंकि इसके लिए आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। होना चाहिए। हाँ ठीक है ना। अब कनेक्शंस जो है, कनेक्शंस डिसेबल कनेक्शन, कनेक्शन पता क्या होता है? नहीं सर, थोड़ी आइडिया देखो, मालूम कर लीजिएगा। कनेक्शन मतलब कि एक फाइल में अदर एप्लीकेशन की अगर आपने कनेक्शन लगाई है उसके लिए। अदर एप्लीकेशन हाँ जैसे कि आपने एक्सेस से एसक्यूएल से फाइल अम की है उसके लिए होता है। जैसे पीवोट में रहता है एक्सटेंशन, पीवोट हाँ एक्सेल कनेक्शन, उसी के बना के डिसेबल, अपन उसी के डिसेबल, फॉलो हाइपरलिंक, हाइपरलिंक को फॉलो करना, तो ये सब चीजें हैं। तो ये चीज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे आगे की क्लासेस जब धीरे धीरे सीखेंगे ना उसके बारे में करेंगे। तो फिलहाल क्योंकि हम जो है फिलहाल नॉर्मल चीजें सीख रहे हैं, तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, जनरली हम लोग फाइल को ओपन करते हैं, फाइल को क्लोज करते हैं, फाइल को डिलीट करते हैं, सॉरी डिलीट नहीं, फाइल को प्रोटेक्ट करते हैं, पासवर्ड डालते हैं, तो ये चीज है। और फाइल से हम फाइल का नेम, फाइल का पाथ, ये चीजें लेते हैं, राइट सर। ठीक है ना। अब ये कर दिए फाइल एक्टिव वर्क यहाँ पे। अब इसमें एक चीज और भी होता है कि एक रीड ओनली, रीड ओनली, राइट। तो ये क्या बताएगा कि ये बता देगा फाइल रीड ओनली है या नहीं है, ट्रू एंड फॉल्स यहाँ पे सेव करेगा।
इस तरह से ले सकते हैं। तो इसके आगे हम केसेस में इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो फिलहाल आप क्या करें, कई सारे वर्कबुक को बनाना सीखें, डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स में, डिफरेंट डिफरेंट एक्सटेंशन में। अब जैसे यहाँ पे देखिए डॉट एक्सेलएस एक्स वगैरह तो ले लेता है, बट डॉट एक्सेलएस एम जब करोगे तो फिर वो दिक्कत होता है, फाइल फॉर्मेट खोजता है। तो उसके लिए आप क्या करो, माइक्रो रिकॉर्डिंग करो और फाइल को डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट में सेव करके उसकी कोडिंग देखने की कोशिश करें आप। एक्सेल एस एम मतलब कौन सा एक्सेल हो गया? माइक्रो अनेबल वर्कबुक, ओके राइट सर, चलो ठीक है, ठीक है, चलो सर एक क्वेरी थी, एक पूछिए। वीडियो देखी थी मैंने। जैसे एक्सेल में सर यहाँ पे अपन जब 10 डालते हैं और उसका परसेंटेज निकालते हैं, 10 × 10 / 100, तो हमें 100% बताता है। तो एग्जैक्टली उसने आपको कुछ कहा था ना, एक एक्सेल एक्सेल सेल्स की एक वैल्यू लेता है इसके वजह से रखता है। नहीं, परसेंटेज की बात कर रहे हो आप, नहीं समझा नहीं, आपके बीच में आवाज चली गई जब अपन एक्सेल में 10 10 डालते हो और इसका परसेंटेज निकालते हो थी। एनुअली, तो 100% ऐसा कुछ बताते हैं। तो हर एक सेल की एक वैल्यू रहती है ना, वो एक्सेल उसकी तरफ से कैलकुलेशन करता है। बेसिकली क्या है ना, हाँ बेसिकली क्या है कि आपने अगर 10 लिखा तो ये 10 नंबर है, अगर इसको आपने परसेंटेज में कन्वर्ट किया तो ये 100 100 से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो अगर 10% करना चाहते हो तो यहाँ पे परसेंटेज का सिंबल डालना पड़ेगा। तो दिख तो रहा है 10, लेकिन एक्चुअल में स्टोर हुआ है ये आपका 0.10। तो परसेंटेज डालते हो तो 100 से डिवाइड हो जाता है, आप कैलकुलेट करते हो तो 100 से मल्टीप्लाई खुद ब खुद हो जाता है। तो परसेंटेज कैलकुलेट करते समय अगर आपका सेल की वैल्यू परसेंटेज में है तो आपको डिवाइड और मल्टीप्लाई 100 जो परसेंटेज कैलकुलेशन में करते हैं वो नहीं करने की जरूरत पड़ती।